भी के थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट so सेक्शन आज हम देखेंगे अबाउट द कंजेशन कंट्रोल तो कंजेशन का मतलब क्या होता है सपोज ये मेरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क की कुछ कैपेसिटी है पैकेट्स को सेंड करने की अब मैंने इसकी कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट्स को यहाँ पे सेंड कर दिया इस नेटवर्क की उतनी कैपेसिटी नहीं है मैंने ज्यादा पैकेट्स को भेज दिया तो उस, कैपेसिटी और कंजेशन की सबसे में आती है हमने स्विचिंग पढ़ी थी यूनिट वन में तो हमने तीन टाइप की स्विचिंग टेक्निक सर्किट स्विस्ट पैकेट स्विच्ड एंड मैसेज स्विच तो मैसेज स्विच तो होता है वो कनेक्शन लेस स्विचिंग टेक्निक होती है तो यहाँ पे कंजेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कंजेशन मैकेनिज्म में यहाँ पे दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है ओपन लूप एंड क्लोज लूप तो ओपन लूप में हम क्या करते हैं तो यहाँ पे ये पांच पॉलिसीज है ओपन लूप के लिए यहाँ पे फोर पॉलिसीज है क्लोज लूप के लिए तो देखते हैं ओपन लूप में किस तरीके से क्या क्या पॉलिसीज है हमारी तो फर्स्ट पॉलिसी है री तो जैसा कि नेम है वही इसका मतलब है यानी कि कोई भी अगर पैकेट लॉस्ट हो गया है करप्ट हो गया है तो उस पैकेट को रिट्रांसमिट करने की जरूरत है लेकिन अगर कोई पैकेट इंपॉर्टेंट है नेसेसरी है उसको भेजना तभी आप सेंड करो अदरवाइज मत सेंड करो कंजेशन अगर हो रहा है तो वहां पे एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए रिट्रांसमिशन के लिए भी जिससे कि आप कंजेशन को कम कर पाओ उसके बाद सेकेंड है आपके पास विंडो पॉलिसी अब जो भी सेंडर या रिसीवर का जो विंडो साइज है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कंजेशन कितना ज्यादा होगा या कम होगा तो हमने फ्लो कंट्रोल में ये दो तो मेथड्स पड़े थे फ्लो कंट्रोल के सेलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एंड रिपीट तो गो बैक एंड रिपीट में क्या होता था कि सपोज यहाँ पे वन टू थ्री फोर ये डेटा पैकेट हमने सेंड कर दिए एक साथ और बीच में क्या हुआ कि टू सेकेंड वाला पैकेट लॉस्ट हो गया अब सेंड तो मैं चारों कर चुकी हूँ तो गो बैक एंड रिपीट क्या कहता है कि अगर बीच में कोई भी डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया तो उसके आगे के भी सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे तो यानी कि टू थ्री फोर भी डिस्कार्ड हो जाएंगे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आगे का डेटा और कहेगा तीनों मेरे को रिट्रांसमिट करो लेकिन सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है कि सपोज मैंने वन टू थ्री को ये डेटा पैकेट को सेंड किया और बीच में टू जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो ये ऐसा नहीं करेगा कि थ्री फोर को भी डिस्कार्ड कर देगा ये बस ये कहेगा कि भाई टू को भी आप रिसेंड कर दो तो यहाँ पे कंजेशन ज्यादा है यहाँ पे मुझे दोबारा इन पैकेट को सेंड करना पड़ रहा है और यहाँ पे सिर्फ जो लॉस्ट हुआ सिर्फ उसको ही सेंड करना पड़ रहा है तो यही विंडो पॉलिसी है कि आपकी किस टाइप की विंडो पॉलिसी, पॉलिसी, तो पॉलिसी है उस पर भी कंजेशन डिपेंड करता है थर्ड है आपका एक्नोलेजमेंट पॉलिसी तो एक्नोलमेंट पॉलिसी ये कहता है कि ऐसा मत करो कि हर एक पैकेट का आप एक्नोलमेंट ले रहे हो साथ के साथ आप ऐसा कर सकते हो कि सपोज आपने कुछ टेन पैकेट भेज दिए उसके बाद आप सिर्फ उन पैकेट का एक्नोलजमेंट लो जो रिसीव नहीं हुए हैं अ काइंड ऑफ नेगेटिव एक्नोलजमेंट लो तो हर एक पैकेट का अगर आप एक्नोलेजमेंट लोगे तो वहां पे कंजेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा आपने डेटा पैकेट भेजा उसके बाद एक्नोलेजमेंट आया सिग्नल आया तो वहां पे कंजेशन और ज्यादा ही होगा ना हर एक पैकेट के लिए अगर ये काम होगा तो ये हुआ एक्नोलेजमेंट पॉलिसी फोर्थ है फोर्थिंग पॉलिसी अगर अगर आप नेटवर्क में ज्यादा पैकेट भेज रहे हो राउटर की कैपेसिटी नहीं है उतने पैकेट्स को हैंडल करने की तो उस टाइम पे राउटर क्या कर सकता है उन पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता है फिफ्थ है एडमिशन पॉलिसी एडमिशन पॉलिसी का मतलब ये है कि किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले उस डेटा की आप रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लो रिक्वायरमेंट्स मीन कि उसको कितनी बैंडविड्थ चाहिए कितना रिसोर्स उसका रिक्वायरमेंट है और अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है राउटर के पास तो आप उस डेटा को सेंड करो अदरवाइज आप अपनी एनर्जी मत पेस्ट करो उस डेटा को सेंड करने में तो ये है एडमिशन पॉलिसी इससे कंजेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो फिर आते हैं आपके क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल तो इसमें पहला आता है बैक प्रेशर बैक प्रेशर क्या करता है डायग्राम से समझते हैं कि सपोज ये आपका सोर्स है और यह यहाँ है आपका डेस्टिनेशन तो सोर्स टू डेस्टिनेशन वन टू थ्री फोर इसके थ्रू आपका डेटा जाएगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो तो हुआ क्या यहाँ पे सपोज कंजेशन आ गया बीच में कहीं पे ठीक है सपोज यहाँ पे कंजेशन आ गया तो यहाँ पे होगा क्या कि सोर्स तक सिग्नल जाएगा हर एक नोड के थ्रू कि पहले फोर टू थ्री जाएगा उसके बाद थ्री टू तो टू तो जाएगा उसके बाद टू टू वन एंड देन वन टू सोर्स तो हर एक नोड से होकर आपका जो सिग्नल है वो जाएगा कंजेशन का इसी को बोलते हैं बैक प्रेशर की बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हर एक नोड के थ्रू जा रहा है इस चीज का सिग्नल कंजेशन का सिग्नल फिर आता है आपका चोक पैकेट चोक पैकेट में क्या होता है कि हर एक पैकेट के थ्रू नहीं जा रहा सपोज ये थर्ड नोड है थर्ड नोड के थ्रू आपका कंजेशन आया है यहाँ पे तो यहाँ पे हर एक पैकेट हर एक नोड पे नहीं जाएगा सिग्नल डायरेक्टली सोर्स पर चला जाएगा चोक पैकेट तो चोक पैकेट में क्या होता है कि अलग से एक पैकेट तैयार किया जाता है जिसमें आपका कंजेशन ये मतलब ऐसा सिग्नल होता है जो ये बताता है कि कंजेशन आ गया है नेटवर्क में और वो डायरेक्टली सोर्स को सेंड किया जाता है हर एक नोट पर सेंड नहीं किया जाता ये होता है चोक पैकेट इम्प्लिस सिग्नलिंग में क्या होता है कि सोर्स जो है वो अ काइंड ऑफ गैस करता है एजम्पन लेट करता है कि यहाँ पे कंजेशन हो गया है नेटवर्क में ठीक है जब दो नोट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते उसके पास सिग्नल नहीं गया है सोर्स के पास कोई भी वो अपने आप से सेम कर रहा है कि अच्छा ये दो नोट जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सो so माइट भी यहाँ पे कोई कंजेशन प्रॉब्लम हो फिर आपका एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में जस्ट ऑपोजिट होता है इम्प्लिसिट का यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं भेजा जाता टू तो सोर्स की कंजेशन आ गया वो खुद से अज्यूम करता है लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि सिग्नल एक्चुअल में भेजा जाता है बताने के लिए सोर्स को कि यहाँ पे कंजेशन आ गया है अब यहाँ पे भी सिग्नल भेजा जा रहा है सोर्स को ये बताने के लिए कि कंजेशन हो जाता है और चोक पैकेट में भी भेजा जा रहा था अब इन दोनों में फर्क क्या होता है तो डिफरेंस ये होता है कि चोक पैकेट में अलग से पैकेट को रेडी किया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है सोर्स तक लेकिन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोई डिफरेंट पैकेट नहीं जनरेट किया जाता जो आपका डेटा पैकेट होता है ना उसी में सिग्नल भेज दिया जाता है यहाँ पे कोई अलग से पैकेट नहीं क्रिएट किया जाता एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में दो टाइप की आपकी एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड में क्या होता है कि डेस्टिनेशन को बता देंगे रिसीवर को बता देंगे कि कंजेशन आ गया नेटवर्क में तो रिसीवर क्या करेगा प्रिवेंशन पॉलिसीज को एडॉप्ट कर लेगा कंजेशन की और बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि हम सोर्स को बता रहे होंगे कि यहाँ पे कंजेशन हो गया है तो हम सोर्स को वॉन्ट कर रहे हैं कि कंजेशन हो गया है, तो आप अपनी जो सेंडिंग स्पीड है की वो स्लो डाउन कर लो तो ये हमारे कुछ कंजेशन पॉलिसीज हैं अब हम यहाँ पर देखेंगे आईपी वी फोर के डेटाग्राम के बारे में यानी कि उसके हेडर के बारे में तो हमें पता है आईपी वी फोर थर्टी टू बिट्स का एड्रेस होता है और हम उसको इस तरीके से फोर ऑक्टेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ये डेसिमल फॉर्म है ये बाइनरी फॉर्म है और थर्टी टू बिट्स का ये टोटल लेटर्स होता है इसको हम फोर बाइट्स भी कह सकते हैं तो ये है आपका आईपी फोर का हेडर तो टोटल कितने बिट्स का होता है थर्टी टू बिट्स का होता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्टी टू बिट्स वीई आर का मतलब है वर्जन तो क्या वर्जन है आपके आईपीवी फोर का तो आईपीवी फोर है तो फोर इज द वर्जन और इसको हम कितने बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं फोर बिट्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच लेंथ का मतलब होता है कि आपके हेडर की लेंथ कितनी है इसको भी हम फोर बिट्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसके साथ एक चीज और है कि यहाँ पे फोर बाइट्स का डेटा वर्ड भी आता है कितने बाइट्स का फोर बाइट्स का डेटा वर्ड आता है वो टोटल लेंथ देता है जैसे कि सपोज मैंने फोर बिट्स में ये रिप्रेजेंट किया वन ट्रिपल जीरो तो वन ट्रिपल जीरो का कोरिस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या होता है एट और मिनिमम लेंथ जो है इसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए ट्वेंटी बाइट्स अब रिप्रेजेंट तो हम फोर बिट्स से कर रहे हैं और मैं कह रही हूं मिनिमम लेंथ इसकी ट्वेंटी बाइट्स होनी चाहिए तो यहाँ पे फोर बाइट्स का डेटा वर्ड होता है इसलिए मैं इस एट को फोर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा थर्टी टू नाउ थर्टी टू इज ग्रेटर देन ट्वेंटी तो अब ये इसकी रेंज में ही आ रहा है तो होता है क्या है कि हेडर एच की लेंथ जो होती है दैट इज ट्वेंटी टू सिक्सटीन बाइट फाइन और रिप्रेजेंट कितने बिट्स में करते हैं चार बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे उसके बाद आता है सर्विस यानी कि किस टाइप की सर्विस आपको देगा ये तो इसको हम एट बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताता है कि जैसे कि लो डिले अच्छा थ्रूपुट देगा ये आपको ठीक है उसके बाद रिलायबिलिटीज की अच्छी होगी तो वो चीज सर्विस में आ जाएगी फिर आता है आपका टोटल लेंथ टोटल लेंथ आप रिप्रेजेंट करते हो सिक्सटीन बिट्स से तो टोटल लेंथ में क्या क्या आ जाएगा आपका हेडर भी आ जाएगा और डेटा भी आ जाएगा दोनों कंबाइन होके टोटल लेंथ आ जाएगी उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन को हम 16 बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है वो डेटा उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक आईडी दी जाती है तो डेटा के आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक यूनिक आईडी दी जाती है वही होता है आपका आइडेंटिफिकेशन और 16 बिट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैग में क्या होता है फ्लैग में थ्री बिट्स होती है अब थ्री बिट्स कैसे कैसे होती है यहाँ पे जो फर्स्ट बिट होती है ये हमेशा रिजर्व रहती है जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है और ये जो सेकेंड एंड थर्ड बिट है इसको हम डी और एम से रिप्रेजेंट करते हैं डी का मतलब होता है डू नॉट फ्रेगमेंट और एम का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट तो ये बिट्स होती हैं यहाँ पे फ्लैग में जो कि फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करती हैं। फ्रेगमेंटेशन आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि सेगमेंट्स में डेटा को हम डिवाइड करते हैं ना उसी तरीके से फ्रेगमेंट भी अ काइंड ऑफ सिमिलर वही होता है एग्जैक्ट सेम नहीं होता है बट सिमिलर आप बोल सकते हो उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थर्टीन बिट्स के थ्रू और ये ये बताता है कि आपका जैसे ओरिजिनल डेटा है ओरिजिनल डेटा के रेस्पेक्ट में आपके फ्रेगमेंट की क्या पोजिशन है वो बताता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फिर आता है आपका टाइम टू लिव ये एट बिट्स का होता है एट बिट से रिप्रेजेंट करते हैं अब इसमें क्या होता है कि हर एक डेटा पैकेट का एक टाइम होता है हर एक पैकेट को दिया जाता है ये टी टी एल तो ये ये बताता है कि सपोज इस डेटा पैकेट को कोई टाइम दिया गया और वो ये स्पेसिफाई करेगा कि इस ये डेटा पैकेट जब डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो बीच बीच में कितने होप्स से होकर वो जाएगा अगर मान लो टाइम टू लिफ्ट नहीं दिया जाता किसी भी डेटा पैकेट को तो डेटा पैकेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली घूमते ही रहते नेटवर्क में कभी वो डिस्कार्ड ही नहीं होते क्योंकि जब टाइम टू लिफ्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है आफ्टर सर्टेन होप्स तो उसके बाद जो डेटा पैकेट होता है उसकी वैल्यू जो टाइम टू लिफ्ट की वैल्यू होती है डेटा पैकेट्स में वो जीरो हो जाती है और राउटर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं डेटा पैकेट को तो ये होता है आपका टाइम टू लिफ्ट उसके बाद प्रोटोकॉल जो की एट बिट्स का होता है तो होता क्या है कि जैसे कि यहाँ डेटा नेटवर्क लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर जाता है तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जैसे कि टीसीपी यूडीपी तो वो वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मैंशन होते हैं एट बिट्स में फिर आता है हेडर चेकसम चेकसम हमने पढ़ा था एरर के लिए होता है इसको हम सिक्सटीन बिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरर के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है सोर्स आईपी एड्रेस हमें पता है थर्टी बिट्स का होता है और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी हमारा थर्टी टू तो बिट्स बता so, मैं तो मैंने बताया ही और डेटा मैक्सिमम आपका जा सकता है इतनी रेंज में फाइन और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेडर की लेंथ जो है फोर बिट्स से आप रिप्रेजेंट करते हो बट उसको आप फोर से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो

ऐड कर सकते हो जैसे राउटिंग टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या पाथ फॉलो हो रहा है वो सारे इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन वी हैव आईपी वी सिक्स आईपी वी सिक्स को हम इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन ये भी बोलते हैं आईपी वी सिक्स जो है वो सिक्सटीन बाइट का एड्रेस होता है और इसकी टोटल लेंथ वन ट्वेंटी एट बिट्स लॉन्ग होती है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन है पहले इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो एट मैंने यहाँ पे एट पार्ट में इसको रिप्रेजेंट किया है अब ये एक पार्ट जो है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है वो देखते हैं तो यहाँ पे है एफ डी ई सी इसी को देख लेते हैं तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ए बी सी डी ई एंड एफ तो ये होता है आपका टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो यहाँ पे जो एफ है वो क्या है आपका फिफ्टीन तो फिफ्टीन को आप कैसे लिख सकते हो फोर टाइम्स वन उसके बाद आता है आपका डी डी क्या है आपका थर्टीन थर्टीन को कैसे लिख सकते हैं हम डबल वन जीरो वन ई को कैसे लिख सकते हैं फोर्टीन सो ट्रिपल वन जीरो एंड देन सी सी को ट्वेल्व है तो हम लिख सकते हैं डबल वन डबल जीरो तो आप ये देखो कि ये जो फोर लेटर्स है इसमें हर एक को मैंने फोर फोर बिट्स से रिप्रेजेंट किया तो टोटल तो कितने हो गए ट्वेल्व बिट्स सॉरी सिक्सटीन बिट्स इसी तरीके से सकते देन अगेन यहाँ पे फोर टाइम्स जीरो सेवन को क्या लिख सकते हैं हम ट्रिपल वन तो यहाँ पे एक जीरो लगा दिया फोर को क्या लिख सकते हैं हम वन डबल जीरो और यहाँ पे जीरो लगा दिया यानी कि हर एक जो नंबर है यहाँ पे उसको आप फोर बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे अब यहाँ पे ऊपर मैंने एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको इस एड्रेस को एक्सपेंड करना है टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म तो यहाँ पर जीरो है यानी कि सारे किस तरीके से होंगे जीरो 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 फाइन यहाँ पे फिफ्टीन है यानी कि उससे पहले दो जीरो, जीरो होंगे अब यहाँ पे जो दो बार इस तरीके से सेमी कोलन आ जाते हैं सॉरी आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपको थ्री टाइम्स ये जीरोज को मेंशन करना है फाइन उसके बाद ट्वेल्व आया उससे पहले वन आया तो डबल ट्रिपल जीरो वन देन डबल जीरो ट्वेल्व आ गया और ट्वेल्व थर्टीन तो है ही ऑलरेडी तो इस तरीके से हम इसको मेंशन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बस आपको ये याद रखना है कि अगर इस तरीके से आपको दी है प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे आपको थ्री पेयर्स ऑफ जीरोस लिखने हैं पे इस तरीके से और भी आप इसको लिख सकते हो इसको आप फोर टाइम जीरो में लिखो फोर बिट्स में इसको भी इसको भी, इसको भी देन इनको भी वन जीरो फाइव को लिख दो वन जीरो वन तो जीरो वन जीरो वन इस तरीके से तो हम इस तरीके से इसको ओरिजिनल फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये थे रिप्रेजेंटेशन आईपीवी सिक्स की एडवांटेजेस आईपीवी सिक्स की ओर आईपीवी फोर ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इस क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यहाँ पे IPv4 में 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे हम 128 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो पे ज़्यादा हमें मिलेंगे इसका header format भी अच्छा होता है काफी better होता है IPv4 के कंपैरिजन में न्यू ऑप्शन ज्यादा होते हैं कि हम फंक्शनलिटीज को एड कर सकते हैं अलायस फॉर एक्सटेंशन IPv4 is इज डिजाइन टू अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोकॉल इफ रिक्वायर्ड new न्यू टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन यानी कि आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको रिसोर्स एलोकेशन सपोर्ट करता है सिक्योरिटी भी इसमें ज्यादा है तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस है आईपी के यहाँ पे मैंने आईपीवी का हेडर भी लिया इसको देखते हैं एक बार तो यहाँ पे एक बेस हेडर होता है दैट इज ऑफ फोर्टी बाइट्स और यहाँ पे पेलोड लेंथ जो है पेलोड मीन्स जहां आपका एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है उसका जो लेंथ है दैट इज अपू सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव बाइट यहाँ पे है एक्सटेंशन हेडर ऑप्शनल होता है ये फिर आता है आपका वर्जन जैसे आईपीवी फोर में था तो आईपीवी सिक्स में भी वर्जन होता है तो वर्जन क्या है आईपीवी का सिक्स वर्जन है और इसको हम फोर बिट्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्जन कौन सा है सिक्स है तो सिक्स तो को आप फोर बिट से रिप्रेजेंट कर दो जीरो डबल वन जीरो आता है प्रायोरिटी और ट्रैफिक क्लास इसमें क्या होता है कि यहां पर सपोज डेटा पैकेट्स है तो सपोज कंजेशन आ गया नेटवर्क में तो होता है क्या कि की कि किसी डेटा पैकेट की अगर प्रायोरिटी कम है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है भेजा नहीं जाता अगर कंजेशन आ गया तो यहाँ पे प्रायोरिटी एंड ट्रैफिक क्लास भी होती है और एट बिट्स की होती है ये उसके बाद फ्लो लेबल ये होता है आपका ट्वेंटी बिट्स का तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फ्लो लेबल बनाया गया यहाँ पे फिर है पेलोड लेंथ यानी कि जहां आपका एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है तो पेलोड लेंथ होता है आपका सिक्सटीन बिट्स का फिर होता है आपका नेक्स्ट हेडर फिर आता है आपका नेक्स्ट हेडर तो ये होता है आपका एट बिट्स का यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोटोकॉल्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे एडिशनल लेयर पे यूडीपी टीसीपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आ सकती है होप लिमिट टाइम टू लिव की तरह होती है जैसे टाइम टू लिव होता है आईपीवी फोर में हर एक डेटा पैकेट को दिया जाता है इसी तरीके से यहाँ पे होता है आईपीवी सिक्स में फिर होता है सोर्स एड्रेस हमें पता है वन ट्वेंटी एट बिट्स का और डेस्टिनेशन एड्रेस भी यहाँ पे वन ट्वेंटी एट बिट्स का होता है जैसे कि हमने देखा आईपीवी सिक्स फिर एक्सटेंशन हेडर्स यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो तो इस तरीके से है आपका आईपीवी सिक्स का हेडर अब हम देखेंगे कि आईपीवी फोर से IPv6 के क्या ट्रांजिशन मैकेनिज्म रहे होंगे मतलब क्या होते हैं तो आईपीवी फोर में एड्रेस स्पेस कम होता है तो हम आईपीवी सिक्स पर स्विच कर सकते हैं इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो हम इससे रिमूव कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सबके पास आईपी वी सिक्स की अवेलेबिलिटी एकदम से आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांजिशन करने के लिए कि हम डायरेक्टली आईपी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हमें कहेंगे कि हम दोनों को साथ में यूज करेंगे तो इसके लिए तीन मैकेनिज्म है पहला है डुअल स्टैक दूसरा है टनलिंग और तीसरा है ट्रांसलेशन तो डुअल स्टैक में क्या होता है जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है कि डायरेक्टली तो हम वर्जन सिक्स पर नहीं जा सकते तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों को यूज करें साथ में आईपी को भी यूज करें और आईपी को भी यूज करें तो अगर यहाँ पे सर्वर है और यहाँ पे राउटर है तो राउटर क्या कर रहा है दोनों ही सर्विसेज दे रहा है आईपी वी की भी आईपी वी सिक्स की भी चाहे कोई भी एड्रेस इसके पास आ रहा है तो दोनों सर्विसेज देगा फिर आता है टनलिंग टनलिंग में क्या होता है कि सपोज ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है और इनको कम्युनिकेट करना है तो जो सेंडर है वो भी आईपी वी फोर वी सिक्स पे ऑपरेट कर रहा है और रिसीवर भी आईपी वी सिक्स पे ऑपरेट कर रहा है लेकिन जिस पाथ के थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे आईपी वी फोर यूज हो रहा है तो यहाँ पे टनलिंग का यूज किया जाता है यानी कि बीच में टनलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है जो आईपी वी सिक्स की सर्विसेज देती है फाइन तो ये टनलिंग प्रोसेस हुआ जहाँ पे सेंडर और रिसीवर तो आईपी वी सिक्स पर काम कर रहे हैं लेकिन जिस वे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आईपी वी फोर पे तो वहां पे टनलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है फिर है हेडर ट्रांसलेशन अब इसमें क्या होता है ऊपर वाले में सेंडर और रिसीवर दोनों ही आईपी वी सिक्स पे थे यहाँ पे क्या होगा सेंडर आईपी V4 पे सपोज और रिसीवर जो है वो IPv6 पर है तो यहाँ पर क्या होगा हेडर ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे यहाँ पे टनलिंग आपकी वर्क नहीं करेगी क्योंकि टनलिंग तब काम करती है जब सोर्स और रिसीवर uh, जो है वो सेम प्रोटोकॉल पे काम करें लेकिन यहाँ पे सोर्स जो है वो आईपी वी फोर पर ऑपरेट हो रहा है और रिसीवर जो है वो आईपी वी सिक्स पर ऑपरेट हो रहा है तो दोनों डिफरेंट आईपी वर्जन पर ऑपरेट हो रहे हैं तो यहाँ पे हेडर को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनके कम्युनिकेशन के लिए तो ये तीन मैकेनिज्म होती है सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट जिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है like गाइस नेक्स्ट वीडियो में